हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि कमेंट टॉपिक। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। तो हमेशा की तरह चैनल पर अगर नए हैं तो वीडियो पर जाने से पहले आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब एक बेल आइकन, जिससे आप मेरे आने वाले वीडियो से टाइम से नोटिफाइड हो पाओगे। और अगर आपने मुझे इंस्टा आईडी में फॉलो नहीं किया है तो वाइटी रश्मि मेरा इंस्टा आईडी है, जल्दी से आप मुझे वहाँ भी जाके फॉलो कर लीजिए। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मुझसे इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बोले मीन्स पूछे गए थे और कहा गया था कि वैसे टाइटल और थंबनेल आपने देख ही लिया है। तो आज मैं अपने मैक फेस प्राइमर को अपने एक फाउंडेशन के साथ मिक्स करके अप्लाई करने वाली हूँ, बिकॉज मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा था कि आपने इसे सिंगल फेस पे यूज़ किया हुआ है और इसका काफ़ी मैंने बताया हुआ है, हर चीज़ बताई हुई है। अगर आपने मेरे चैनल पे नहीं देखा तो चैनल में आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी। मुझसे कहा गया था कि आप अपने मैक प्री प्राइम फेस सीरम को किसी भी फाउंडेशन के साथ मिक्स करके अपने फेस पे अप्लाई करके दिखाइए ये किस तरह से अप्लाई होता है कि नहीं होता है फाउंडेशन में मिक्स करने से। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग के क्वेश्चन का जल्द से जल्द एक वीडियो बना देती हूँ, कि अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि आप इन दोनों को मिक्स करके कुछ लुक क्रिएट कर सको तो ये आपके लिए अच्छा होगा या नहीं होगा। इस वीडियो में आपको आज मैं आपके सामने इन दोनों को यूज़ करूँगी एक साथ मिक्स करके। और अभी फ़िलहाल जो आपको मेरा फेस दिख रहा है, मैंने इन दोनों को ही अप्लाई किया है अपने फेस पे, तो काफ़ी अच्छे से ये इजिली ब्लेंड हो गया था। थोड़ा सा इसे मुझे मिक्स करने में दोनों को प्रॉब्लम हो रहा था, बिकॉज़ ये ऑयल की तरह है, सीरम है, तो ये इसमें मिक्स नहीं हो रहा था। फाउंडेशन में मुझे मिक्स करने में हल्का सा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन मैं जो ब्लेंड मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स किया तो ये मिक्स हो गया था। फिलहाल मेरे हाथ में भी लगा, देख सकते हो काफ़ी इफेक्ट आया है इसमें। ये दोनों ही मिक्स करके मैंने अप्लाई किया था, ये बिना, ये देखो, तो काफ़ी अच्छे से ये इजीली ब्लेंड हो गया था मेरे फेस पे। और मुझे अप्लाई करने में भी फाउंडेशन को ज़्यादा समय नहीं लगा, बस थोड़ा सा मिक्स नहीं हो रहा था। वैसे मैंने इसे पहले वाले वीडियो में बताया है कि जब भी आप फेस सीरम अप्लाई करो तो ओनली फेस को वॉश करके अपने फेस पे अप्लाई करो, लेकिन मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर हम अपने फाउंडेशन में इसे अप्लाई करते हैं दोनों को मिक्स करके तो ये कैसा वर्क करता है। तो इससे ही रिलेटेड आज का मेरा ये वीडियो है। और फिलहाल मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसका वर्क, बिकॉज ये बहुत स्मूथली ब्लेंड हो गया था मेरे फेस पे। और जो हम जब भी फाउंडेशन लगाते हैं तो हमारा जो स्किन होता है उसमें थोड़ा सा ब्लेंड करने में टाइम लग जाता है हमें, तो मैंने इसे ब्लेंडर की हेल्प से अच्छी तरह से ब्लेंडिंग किया और 5 मिनट में मेरा फाउंडेशन और बहुत अच्छे से मेरी स्किन पे ब्लेंड हुआ है और काफ़ी फ्लॉलेस स्किन मेरी दिख रही है। तो अगर आप इसे मिक्स करके लगाना चाहो तो अपने फाउंडेशन में लगा सकते हो। तो पहले आप देख लीजिए कि मैंने इसे अप्लाई किस तरह से किया, देन मैं आपको वीडियो में मिलती हूँ लास्ट में। तो आप देख लीजिए कि ये किस तरह से मैंने अप्लाई किया, मेरा फेस कितना ग्लोली दिख रहा है इसको अप्लाई करने के बाद। तो चलिए देख लीजिए। तो अब मैं आपको इन दोनों प्रोडक्ट को अप्लाई करके बताने वाली हूँ। आप देख सकते हो किस तरह से मैं अप्लाई करूँगी अब आपके सामने। और ये देखो, मैं इसको भी ओपन करके बता रही हूँ ये कितना थिक है। तो इसका अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो मेरे चैनल में इसके रिसेंटली एक वीडियो मैंने पोस्ट किया है, और इससे पहले भी काफ़ी पहले मैंने एक वीडियो और पोस्ट किया है, तो दोनों ही वीडियो मेरे काफ़ी अच्छे जा रहे हैं। तो इनसाइड का फाउंडेशन मैंने 2 से 3 ड्रॉप्स ले लिया है, और इसमें मैं 4 ड्रॉप ले लूँगी इस मैक फेस प्राइम के फेस सीरम के, सॉरी। तो इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे हाथों पर ही लेकर। ये देखिए, थोड़ा सा स्टिकी हो रहा था फाउंडेशन, आप देख सकते हो मुझे इसको मिक्स करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम किया, लेकिन जब ये इसने वर्क किया ना, उसका वर्क बहुत ही अच्छा था। मेरी स्किन में काफ़ी स्मूथनेस और ग्लोली स्किन हो रही थी, एकदम सॉफ्ट स्किन मुझे फील हो रही थी। तो मैंने ज़्यादा लिया नहीं था प्रोडक्ट, आपको जितना ज़्यादा लेना आप उस हिसाब से ले सकते हो। मैं ज़्यादा फाउंडेशन यूज़ करना पसंद नहीं करती, उस वजह से मैंने कम फाउंडेशन का यूज़ किया है। आई होप आपको इसका इफेक्ट मेरी स्किन पर अच्छे से नज़र आएगा। और इस तरह से मैंने फिंगर की हेल्प से ले लिया है, देन मैंने पूरा प्रोडक्ट ब्लेंडर में लेके धीरे धीरे ब्लेंडर को ब्लेंड करना चालू किया। देखो कितनी इजीली ये ब्लेंड हो रहा है, बहुत इजीली ये ब्लेंड हो गया था, बहुत स्मूथली ये ब्लेंड हो रहा था। ये देखो मेरे फेस में एक अलग शाइनिंग आ रही है, एक ग्लो प्रोवाइड कर रहा है ये फाउंडेशन। मैंने ये जो लगाया ये बहुत ज़्यादा ड्राई है, अगर आपका ड्राई फाउंडेशन है तो आप इस सीरम के साथ ये ट्रिक फॉलो कर सकते हो, और ड्राई स्किन है तो तब भी। ये देखो कितनी इजीली ब्लेंड हो रहा है, आप देख सकते हो मेरा फोरहेड में कितना इफेक्ट नज़र आ रहा है हाफ साइड। तो मुझे काफ़ी अच्छी ट्रिक लगी है,
मैंने फर्स्ट टाइम किसी सीरम के साथ फाउंडेशन को मिक्स करके कोई वीडियो बनाया है क्योंकि आप लोग की डिमांड थी। तो ये देखो कितना इजीली ब्लेंड हो गया, मुझे 2 मिनट भी नहीं लगा है, 2 से 3 मिनट में मैंने अच्छे से ब्लेंडिंग कर ली थी अपने दोनों प्रोडक्ट की। तो ये देखो पास से भी मैं दिखा रही हूँ और बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। आप ज़रूर ट्राई करना अगर आपकी ड्राई स्किन, तो गाइस मुझे बहुत पसंद आया पर्सनली। और बहुत इजीली ये एब्जॉर्ब तो नहीं हो रहा था क्योंकि आपने सीरम मिलाया, तो आपका जो फाउंडेशन है वो स्किन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगा, इससे स्किन भी आपकी एक सेफ्टी मिल जाती है आपकी स्किन को इस तरह से। तो आप ज़रूर ये ट्रिक आजमा सकते हो, मैं पास से भी दिखा रही हूँ आपको। ये देखो मेरी स्किन बहुत ग्लो ग्लोरी दिख रही थी, बहुत सॉफ्ट फील हो रहा था मुझे और बहुत लाइट वेट भी आपको फील होगा। तो आपने देखा मैंने किस तरह से अप्लाई किया इन दोनों प्रोडक्ट को। मुझे मिक्स करने के बाद इसका जो वर्क है काफ़ी पसंद आया है और मैंने सिर्फ इन्हीं को अप्लाई किया। मैंने फेस पे इससे पहले कुछ अप्लाई नहीं किया था। आपने वीडियो में देखा कि मेरा फेस आफ्टर और बिफोर मींस मैंने हल्का सा आपको यहाँ शो किया कि मैंने अप्लाई किया तो यहाँ का अलग कवर दिख रहा था और कवरेज दिख रहा था, यहाँ का अलग दिख रहा था बिना इन दोनों को लगाए हुए। तो मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट लगा इनका, ये इजीली ब्लेंड हो जाता है। तो अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है, ड्राई स्किन है और बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, तो आप इस तरह से लगा सकते हो। अगर आपके कोई पिंपल नहीं है, किसी भी तरह का कोई स्पॉट नहीं है फेस में, तो आप ट्राई कर सकते हो। बट मैं यही कहूँगी कि आप फेस सीरम को हमेशा मींस नॉर्मल फेस पे अप्लाई कीजिए, मेकअप के साथ अप्लाई मत कीजिए। लेकिन हाँ, अगर आपका फेस सेंसिटिव नहीं है तो आप ये ट्रिक अप्लाई करके देख सकते हो आपके फेस में। अगर आप लगाना चाहो तो एक बार ट्राई कर लेना, और ट्राई करने पर आपकी स्किन पे इसने कैसा वर्क किया वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने इन दोनों को अपने मींस किसी भी फाउंडेशन के साथ इसे यूज़ किया तो आप मुझे वो भी कमेंट करके बताना। तो मुझे ब्लेंडिंग के तौर पे ये जो मैंने आज टेस्टिंग की इन दोनों की मिक्स करके, वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी और मेरा फेस भी काफ़ी अच्छा ग्लोली दिख रहा है। क्योंकि जो फेस सीरम होते हैं वो हमारे स्किन पे ग्लो प्रोवाइड करते हैं, तो फाउंडेशन में मिक्स करने के बाद फाउंडेशन इजिली ब्लेंड हो गया आपका, एक ग्लो प्रोवाइड कर दिया आपको, और आपकी जो ड्राई स्किन है वो ड्राई स्किन बिल्कुल भी फील नहीं होगी। मुझे बिल्कुल भी मेरी स्किन पे कुछ भी ड्राइनेस फील नहीं हो रहा है। मैंने सिर्फ और सिर्फ इन दोनों से आज अपने फेस पे मेकअप अप्लाई किया हुआ है आपके सामने, और सिर्फ लिपस्टिक अप्लाई किया है। तो आई होप ये वीडियो आपको देखने में अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर ट्राई कीजिए, ये काफ़ी अच्छा है। मीन्स अगर आप कहीं जा रहे हैं, आपका फेस में आपको फाउंडेशन ब्लेंड करने में टाइम लगता है, तो आप इस ट्रिक को ज़रूर आजमा सकते हो। हाँ, लेकिन आपका फेस क्लियर होना चाहिए, कोई भी पिगमेंटेशन आपके फेस में ना हो, तो आप ये ट्रिक बिल्कुल आजमाना मत। ऐसा मुझे लगता है कि मैं आपको हर चीज़ एक सेफली आपको शेयर करूँ, तो आप ट्राई कर सकते हो अगर आप ट्राई करना चाहो। आप लोग के क्वेश्चन थे काफ़ी, मुझे इंस्टा में भी डैम आए थे कि आप प्लीज़ इन मीन्स किसी भी फाउंडेशन में इस सीरम को अप्लाई करके अपने फेस पे अपने चैनल में दिखाइए, तो मैंने दिखाया है। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आपके मन में आया, कि वैसे मुझे बहुत अच्छा लगा ये इसका जो वर्क आया है फेस पे, बहुत अच्छा लगा, आप में देख रहे हो नोज़ में कितनी शाइनिंग आ गई है, चिक्स में कितनी शाइनिंग आई है, तो अच्छा लगा। स्किन ड्राई है तभी आप इसे यूज़ कर सकते हो। अगर आप जल्दबाजी में, आपके पास टाइम है, तो ये 2 से 3 मिनट में इजीली ब्लेंड कर देगा अगर आप इन दोनों को मिक्स करके अप्लाई करते हो। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपने इस तरह का कुछ ट्राई किया है मैक फेस सीरम के साथ, तो आप भी बताइएगा आपका फेस में किस तरह से वर्क किया था। मेरे फेस में तो काफ़ी अच्छे से वर्क किया, आपके सामने ही मैंने अप्लाई किया, अब ऐसे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप मैक फेस सीरम के साथ कुछ अप्लाई करते हो तो साइड इफेक्ट तो फिलहाल नहीं होगा, लेकिन जो सीरम होते हैं वो आप सिर्फ सिंगल यूज़ करो तो वो ज़्यादा अच्छे से आपको एक इफेक्टिव रिजल्ट देते हैं, बेनिफिट मिलता है। इसलिए फेस सीरम को कोशिश कीजिए कि आप नॉर्मल फेस पे यूज़ कीजिए। हाँ, ये ट्रिक था, आप लोग की मर्जी थी तो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिया कि किस तरह से वर्क करता है। तो आज का है वीडियो हेल्पफुल लगता है तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, लाइक करने में कंजूसी मत करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आप इस तरह का कोई भी वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं जल्दी आपके लिए वो वीडियो शेयर करूंगी। तो मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए क्या, लव यू ऑल, बाय गाइज।